बेशक प्रदेश सरकार विकास के दावे करते नहीं थक रही है, लेकिन हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल के तहत पड़ने वाली बैल पंचायत के साथ लगते दर्जनों गांव को आज भी सड़क सुविधा के लिए सरकार का मुंह ताकना पड़ रहा है। आलम ऐसा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा केवल मात्र 2 किलोमीटर तक पक्की करने के बाद बाकी सड़क को 7 सालों से पक्का नहीं किया गया है, जिस कारण लोगों की मुसीबतें दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बेशक प्रदेश सरकार विकास के दावे करते नहीं थक रही है, लेकिन हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल के तहत पड़ने वाली बैल पंचायत के साथ लगते दर्जनों गांवों को आज भी सड़क सुविधा के लिए सरकार का मुंह ताकना पड़ रहा है। आलम ऐसा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा केवल मात्र 2 किलोमीटर तक पक्की करने के बाद बाकी सड़क को 7 सालों से पक्का नहीं किया गया है, जिसके कारण लोगों की मुसीबतें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। कच्ची सड़क की हालत बदतर होने के चलते पैदल आवाजाही भी दिक्कतों भरी है, और अगर कोई गांव में बीमार हो जाए तो उसे कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। समस्या हल नहीं होने की सूरत में ग्रामीणों ने अब सीएम जयराम ठाकुर से मिलेंगे, और अगर फिर भी समस्या हल ना हुई तो आने वाले चुनावों का ग्रामीण पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। बता दें कि बैल पंचायत में स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर कारगिल शहीद दीपचंद राणा का भी घर आता है, और पंचायत को जाने वाली सड़क का नाम भी शहीद दीपचंद राणा के नाम पर ही रखा गया है। लेकिन विडंबना है कि आज दिन तक शहीद के घर को जाने वाला मार्ग खस्ता हालत में है। हालांकि 2000 से ज्यादा आबादी के ग्रामीणों ने राजनेताओं से लेकर जिला प्रशासन के दरबार जाकर कई बार फरियाद लगाई है, लेकिन राजनेता केवल चुनावों में वोट मांगने तक ही सीमित रह जाते हैं और प्रशासन भी आंखें मूंदे बैठा हुआ है। कई बार विभागों के चक्कर काटने पर भी समस्या हल नहीं होने पर अब ग्रामीणों ने सीएम जयराम ठाकुर ने मुलाकात करके गुहार लगाने का फैसला किया है। आप ये बताइए कि आप विभाग से क्या चाहते हैं, और ये इस सड़क का निर्माण कब हुआ था और ये कब से पेंडिंग पड़ा हुआ है? हम ये चाहते हैं कि ये सड़क 2002 में निकली है और आज 2018-19 हो रहा है, ये पक्की नहीं हुई है। ये पक्की होनी चाहिए जिससे हमें आने जाने के लिए सुविधा हो। ग्रामीणों ने बताया कि साल 2002 में सड़क बनाई गई थी, लेकिन केवल 2 किलोमीटर तक ही पक्की की गई, और 2013 में पुलिया और डंगे लगाए गए थे, लेकिन पक्का नहीं किया गया था, जिसके कारण बीमारी की हालत में दिक्कतें पेश आती हैं। उन्होंने बताया कि बीमारी की हालत में कुर्सी पर बिठाकर ले जाना पड़ता है। सर, ये हमारी समस्या रही है। हमारा 2002 में इस रोड का निर्माण हुआ है और 2013 में इसकी सोलिंग हुई है, पुलियाँ लगी है, डंगे हुए हैं, सब कुछ, लेकिन आज तक उसके बाद जो है इसका मतलब आज तक पक्का नहीं हुआ है। और हमारा जो एरिया है इसमें इतनी ज़्यादा समस्या है, अगर कोई बीमार हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जैसे कुर्सी पे उठा के लेके जाना उनको मेन रोड तक और मंजे पे, तो बहुत एम्बुलेंस की सुविधा हमें नहीं है, तो ये सारा इस रोड की वजह से है। अगर ये हमारा रोड पक्का हो जाता है तो ये इलाका प्रॉपर तरीके से डेवलप हो सकता है। दिक्कत कहाँ है? मतलब दिक्कत ये मेन रोड से 2 किलोमीटर तक पक्का है, उसके आगे 3 किलोमीटर का एरिया है ये कच्चा है, और उसमें मतलब इतने ज़्यादा गड्ढे हैं कि बुरी हालत है। तो कभी प्रशासन के पास नहीं आपने? प्रशासन के पास भी गए हैं सर, हमारी एप्लीकेशन गई हैं, एक्शन से मिले SDO SDM तक हमने कंप्लेंट रखी, अपने जो MLAs हैं उनको बोला, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। युवक मंडल बहल के प्रधान ने बताया कि कई सालों से ग्रामीणों की समस्या जस की तस बनी हुई है और पक्का नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कितने बजट आए हैं, लेकिन क्षेत्र के लिए कोई बजट नहीं मिल पाया। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों में सीएम जयराम ठाकुर से मिलेंगे और फिर भी समस्या हल ना हुई तो अगले चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा। युवक मंडल बहल की तरफ से ये आपसे सभी
नेताओं से ये गुजारिश है कि जो हमारी समस्या है, ये समस्या जो है 2013 में ये हमारे भैड़ पंचायत का जो 3 किलोमीटर का जो एरिया है वो पक्का नहीं है, वो कच्चा, उसमें सोलिंग हुई पड़ी है, रोड़ी डल चुकी है, पुलियां लगी हुई हैं, बस उसको पक्का करने की देर है। जो हमारे खून पसीने की कमाई का जो पैसा है, टैक्स पे, हम सभी टैक्स पे करते हैं, और जो भी पैसा हम देते हैं गवर्नमेंट को 18% GST के साथ, तो मैं समझता हूँ कि उस पैसे की जो है पूरी यह बर्बादी है। अगर आप कभी भी वहाँ पे विजिट करें, देखें, तो मालूम चलेगा कि जनता के पैसे के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। इलेक्शन टाइम में सर आते हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं। देखिए 2013 से लेके 2019 चला हुआ है, तो कितने बजट आए और चले गए, कितनी मार्च आई और मार्च चली गई। क्या हमारे इस इलाके के लिए क्या कभी कोई बजट ही नहीं, 6-7 सालों में कोई बजट ही अपीयर नहीं हुआ? अगर अब हमारी समस्या, हमारा यही है कि अगर हमारी समस्या सॉल्व नहीं होती है, अभी हम 15 के बाद जो है CM सर के पास जाएंगे और वहां पे उनके पास रखेंगे अपना मुद्दा कि ये हमारी समस्या है, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो करिए, अगर नहीं है तो हमारा सीधा सा ये है कि हम अगले जो भी इलेक्शन आएंगे हम उसका बाइकआउट करेंगे और हमारी इस कंस्टिट्यूएंसी से कोई भी इलेक्शन के लिए जो है, हमारे जो गांव है, जो पीड़ित सभी गांव है नीचे से, वो वहां से कोई इलेक्शन नहीं हो पाएगा। युवक संदीप राणा ने बताया कि वेल पंचायत में 3 किलोमीटर की सड़क कच्ची है, जिसमें ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि पंचायत में शहीद दीप चंद राणा के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है, लेकिन आज तक पंचायत की अनदेखी हुई है। देखिए हमारी जो भैल पंचायत है, इसमें जो सड़क है वो 3 किलोमीटर तक सड़क जो है वो कच्ची है और 2 किलोमीटर तक रोड जो है वो पक्का है, और 3 किलोमीटर की जो सड़क है यानी कि बरोटी से लेकर भैड़ू तक पक्की है, आगे भैल, ठाना, बोटा, लड़ आदि गांव पड़ते हैं। इस साइड जो सड़क का बुरा हाल है, डंगे लगाए हैं, PWD विभाग ने पुलियाँ लगाई हुई हैं, सोलिंग हुई पड़ी है, और ये जो बरोटी एक ऐसा गांव है, इतना अच्छा गांव है कि यहां से शहीद दीप चंद राणा, ये जो हमारा मार्ग है, सड़क रोड जो है वो दीप शहीद दीप चंद राणा के नाम से है, और इस ब्रोटी गांव में जो है वो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, 2 स्वतंत्रता सेनानी, जो हमारे दादा श्री स्वर्गीय डॉक्टर कृष्ण दयाल राणा जी भी हुए हैं, और श्री स्वर्गीय श्री डॉक्टर लाल सिंह भी हुए हैं, और अम्बोटा से भी जो अभी शहीद दीप चंद राणा मार्ग है, लेकिन अम्बोटा से भी एक और स्वतंत्रता सेनानी हुए है। तो इतना अच्छा ये जो है ये एरिया है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट नहीं दे, सरकार इसी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, और चुनाव के समय तो नेता यहाँ पे वादे करते हैं कि इस रोड को पक्का कर दिया जाएगा और यहाँ से एक बस चलाई जाएगी, ना वो बस चलती है और ना ये रोड पक्का होता है। तो मेरी आपसे, मीडिया वालों से और सरकार से मैं प्रार्थना करता हूं कि इस रोड के साथ 13 गांव कनेक्ट होते हैं, वो गांव ब्रोटी, भैलू, ठाना, बोटा, लड़ा, बंगाला, टिबड़ा, तुड़ान और धर्मशाला हरियाणा गांव, तो और सुंदारा गांव, कम से कम 12 से 13 गांव की जो आबादी है, कम से कम 2000 से भी ज़्यादा इस रोड में जो है आबादी, जो साइड में जो ग्राम है उनकी आबादी है, लेकिन क्यों इस सड़क को पक्का नहीं किया जाता है? इसके लिए हमने अधिकारियों को भी सूचित किया और हम अधिकारियों के पास भी गए और उनको भी सूचित किया, टेलीफोन पे भी सूचित किया, लेकिन वो बोलते हैं बस इस साल या अगले साल। तो वो अभी हमारी पीछे भी बात हुई थी PWD विभाग से, तो उन्होंने कहा कि 2013 से लेकर 2018 को इसको हमने नबार्ड में जो था डाला था, तो 2019 में हमने उनको जाके पूछा, तो उन्होंने हमारे को यही आंसर दिया कि बस इसको 2020 में, तो बस 2013 से लेकर 2020 तक ना 7-8 बजट आए हुए हैं, अभी तक इस सड़क के ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तो मेरी मीडिया वालों से और प्रशासन से, विभाग से और मुख्यमंत्री जी से मैं प्रार्थना करता हूँ दोनों हाथ जोड़कर कि शीघ्र अतिशीघ्र मेरे गाँव की सड़क को पक्का किया जाए और मेरे गांव की जो समस्या है इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, क्योंकि हमारे को बहुत प्रॉब्लम है, पालकियों में पेशेंट को उठा के ले जाना पड़ता है, कई तो हमारे एरिया में एक दो भी कुछ टाइम पहले ही हार्ट अटैक हुआ, वो रास्ते में ले जाते ही वो रास्ते में एक्सपायर हो गए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि शीघ्र अतिशीघ्र हमारी समस्या का समाधान करें।
स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्यों ने बताया कि दो दशक से ज्यादा समय सड़क को बनाए हुए हो गए हैं, लेकिन आज दिन तक पक्की सड़क नहीं होने से समस्या बनी है। उन्होंने बताया कि 4 किलोमीटर दूर पैदल जाकर बस सुविधा मिलती है। वहीं बुजुर्ग महिला ने बताया कि सड़क को ज्यादा पक्का किया जाना चाहिए और गाँव के लिए बस की सुविधा शुरू होनी चाहिए। हमारी बात सर ये है कि हमारे जो फादर इन लॉ थे वो फ्रीडम फाइटर थे, उन सरकार कहती है कि फ्रीडम फाइटरों के परिवारों को देखा जाएगा, लेकिन कोई नहीं उनके लिए सुविधा है ना देख ना। अभी तक तकरीबन कोई 25 साल हो गए हमारे रोड निकले हुए को, अभी तक वो 4-5 किलोमीटर पक्का नहीं हुआ है। तो गाँव को बड़ी परेशानी है, सड़क जो पक्की होनी चाहिए और बस भी चलनी चाहिए ताकि गाँव वाले या कहना ठीक ढंग से जा सके। 4 किलोमीटर पर जाकर बस लेना पड़ती है। स्वतंत्र सेनानी हम बस चलना चाहेंगे, हम बस अभी बड़ी टिक ने बस चलना चाहेंगे, पक्का रोड होना चाहेंगे। सड़क को बनाए हुए लगभग 16-17 साल हो गए, कुछ सड़क जो है वो पक्की हो गई और कुछ टूटा जो है वो बाकी है। जो कच्चा है उसमें 4-5 गांव आते हैं जिन कोई चीज की कोई सुविधा नहीं है, और इन आदमियों को भी सुविधा मिलनी चाहिए। जो शमैला बस हमीरपुर से शमैला जाती है और शमैला से हमीरपुर जाती है वो इस रूट से होकर के जाए, और ये रूट जो है थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर है, ये पक्का होना चाहिए। कार्यक्रम में वक्त चला है, छोटे ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।